पहाड़ों में मौसम ने करवट ली है और ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं तो बारिश की बूंदों ने ग्रामीण अंचलों में होने वाली खेती बाड़ी के कार्य में बाधा डाल दी है। अचानक मौसम के बदलाव और बारिश की बूंदों ने खेती बाड़ी के कार्य में लगे लोगों को चिंतित कर दिया। आजकल ग्रामीण अंचलों में असोज में होने वाला कार्य भी प्रगति पर है। धान मढ़ाई और दलहनी फसलों में रेस गहत भट आदि को सुखाने चूटने और संग्रहित करने का कार्य प्रगति पर है। गांव में असोज के कार्य में बीच बीच में बारिश होने से बहुत ही बड़ी समस्या का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में गांव में सभी के पास भंडारण की व्यवस्था होना संभव नहीं है। खेतीबाड़ी से संबंधित असोज के कार्य में घास कटान का कार्य भी पशुपालन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इस समय काटी गई घास को किसान वर्ष भर पशुपालन चारे के लिए भंडारण करके रखते हैं। ग्रामीण अंचलों में लूटे के रूप में इसका संग्रहण भंडारण किया जाता है। दलहनी फसलें भी तैयार हैं, इन्हें सूखने संग्रहित करने के लिए धूप की नितांत आवश्यकता होती है। बारिश से ये सड़कर खराब हो जाती हैं, जिससे वर्ष भर की मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अचानक हो रही बारिश से किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि कटी हुई घास मंडुवा दलहनी फसलें बारिश से सड़कर खराब हो रही हैं। रानीखेत से भुवन बिष्ट की रिपोर्ट। लखनऊ में हिमालय इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बहुत सुना था, इसीलिए यहाँ मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आपका कॉलेज आपको इसी लेवल का कॉन्फिडेंस दे सकता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपने जूनियर से हमेशा कहती हूँ कि अगर हिमालय साथ है तो हो जाएगा। Himalayan Institute of Technology and Management is offering BTech in all streams. और जब Himalayan साथ है तो हो जाएगा।